叫什么呀？啊，你姑爸爸家里去啊？मतलब अभी मुझे पांचों दिन का गिफ्ट मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्यों? ऐसा तो है। अभी उन जाएगा। किधर से लाए हो? सही पूछ रहे हो। ऑफ रोड। हाँ। अच्छा। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा। कलर भी अच्छा है। बर्थडे पे कौन सी पहनू? बर्थडे पे तो नहीं, मम्मी तो ऐसे ले आया है। ये ऐसे ले आया है? बर्थडे कैसे? अच्छा ये लिया आपने? ये तो हाँ, वो सेफ ग्रे वाला भाई ये। हाँ अच्छा, मुझे लगा तो डिफरेंट था। वो नहीं, सेम ही है ना? सेम है। थैंक यू। मैं कंफ्यूज हो गया था। बहुत प्यारा है। आप सभी को मालूम होगा कि दीपिका कक्कड़ का बर्थडे 6 अगस्त को आता है। दीपिका का बर्थडे मंथ स्टार्ट हो चुका है। शेब इब्राहिम हर बार की तरह दीपिका को गिफ्ट देते हैं, लेकिन इस बार आपने ध्यान दिया होगा जब शेब इब्राहिम दीपिका के लिए गिफ्ट लेकर आए और दीपिका को गिफ्ट दिया, तो उस वक्त दीपिका बच्चे में इतनी उलझी हुई थी कि वो खुशी उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी। वो अपने बेबी में ज़्यादा ध्यान दे रही थी। कहते हैं ना कि माँ के लिए बच्चे से ज़्यादा कुछ भी नहीं। जब शेब इब्राहिम दीपिका को गिफ्ट देते थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी, उछल कूदने लगती थी, लेकिन इस बार वो अपने बेबी में इतनी खोई हुई हैं, अपनी खुशी का उन्हें ज़रा सा भी एहसास नहीं। ये बात सही है, ये दुनिया की रीत है। जब बच्चे हो जाते हैं तो माँ बाप अपनी खुशी भूल जाते हैं। खुशी तो बहुत हुई है, लेकिन दीपिका को इतना वक्त नहीं मिला कि उस खुशी का इजहार कर पाए। आपने खुद ध्यान दिया होगा कि दीपिका को जब गिफ्ट मिलते थे पहले तो कितना उछलती थी, बहुत ज़्यादा खुश होती थी, लेकिन इस बार वो उछलना कूदना और वो खुशी दिखाई नहीं दी। और आपका क्या कहना है इस बारे में तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अब आपसे ज़्यादा चाहते हैं वीडियो पसंद आए, लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमें याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।